वहीं राज्यमंत्री धन सिंह रावत ने कहा है कि केदारनाथ, आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पर चारधाम यात्रा को लेकर बात की जा रही है कि किस तरीके से अभी चारधाम यात्रा को नहीं खोला जाए यहाँ पर, उसको भी लेकर कई सवाल जो है वो यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। अब बात यहाँ पर करेंगे, देश में इस वक्त लॉकडाउन 5 लागू है और नए दिशा निर्देशों के तहत लॉकडाउन 5 में चरणबद्ध तरीके से बंदिशों से राहत दी जा रही है और इसके तहत ही यहाँ पर 8 जून से देश भर में मंदिरों को खोला जाएगा। मगर सरकार के इस फैसले पर गंगोत्री और यमुनोत्री के पुरोहितों का कहना है कि चारधाम यात्रा को अभी श्रद्धालुओं के लिए ना खोला जाए। पुरोहितों का कहना है कि प्रदेश के बाहर से आए लोगों की वजह से यहां कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। चारधाम यात्रा को श्रद्धालुओं के लिए खोले जाने से कोरोना का खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए पुरोहितों ने सरकार से चारधाम यात्रा को फिलहाल स्थगित करने की मांग की है। यमुनोत्री और गंगोत्री दोनों धामों के पुरोहितों का कहना है कि चारधाम यात्रा को श्रद्धालुओं के लिए फिलहाल खोलना उचित नहीं होगा। उत्तराखंड सरकार के द्वारा और भारत सरकार के द्वारा तीर्थस्थलों को जो है 8 तारीख से दर्शनों में तो खोला जा रहा है, जबकि उत्तराखंड में कल से आपने देखा 1000 के लगभग जो है संख्या पहुंच गई है। और सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए मेरा मानना है कि सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और जहाँ इतना समय हो गया कुछ समय के लिए इसको स्थगित करते हुए, ताकि यहाँ की जो शुद्धता है और जो उत्तराखंड में जो ये प्रकोप जो बढ़ रहा है इसको रोका जा सके।